back to Chalk and Slate. Myself, Nidhi Agarwal, और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी factorization का exercise 5C. तो वीडियो को start करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर दो, bell icon को press कर दो ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको time to time मिल जाए. तो चलिए वीडियो start करते हैं. इस exercise में आपको जो भी question रहेगा उसको आप जब factorize करोगे तो आपका वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक होगा. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. बस आपको इसी का यूज करके ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 25 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर. अब देखो ए के प्लेस में है आपका 25, ए स्क्वायर के प्लेस में है आपका 25 ए स्क्वायर. तो आपको होल पे स्क्वायर लाना है. कैसे लाएंगे 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. ये है 5 का स्क्वायर, ये है a का स्क्वायर. 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और ये है आपका b का स्क्वायर. अब ये स्क्वायर को बाहर ले आओ तो ये बन गया 5a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर. ये स्क्वायर हम बाहर ला सकते हैं क्योंकि a स्क्वायर * b स्क्वायर को हम ab का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर. बस फॉर्मूला लगाओ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. पुट कर दो यानी 5a प्लस 3b इंटू 5a माइनस 3b. आ गया ना ये दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में. क्लियर. ये था मेरा नंबर वन. नंबर टू देखो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर. बस a के प्लेस में है आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर के प्लेस में है आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर. बस उसी फॉर्मूला में लगाना है. ये पूरा a है और ये पूरा आपका b है. तो क्या फॉर्मूला था a प्लस b इंटू a माइनस b. यानी a प्लस b, b के प्लेस में क्या लिखाएगा 2a प्लस 3b. अब यहाँ पे साइन का ध्यान रखना a माइनस b. अब देखो ये पूरा जब आप प्लस करते हो तो साइन में कोई चेंज नहीं आता. जब आप बट हम माइनस करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन मेरा चेंज हो जाता है. इसलिए आपको इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2a प्लस 3b. अब नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट खोल लेना तो ये हो गया आपका 2a और a 3a प्लस 3b. और यहाँ पे आया a, ब्रैकेट खोलो तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. ये क्या हो गया माइनस 2a और ये हो गया माइनस 3b. यानी 3a प्लस 3b यहाँ आया माइनस ए माइनस 3b. अब आप चाहो तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हो. इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी. और इस दोनों में देखो माइनस है, माइनस भी कॉमन ले सकते हो तो ये बन जाएगा आपका a प्लस 3b. यानी माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस 3b. क्लियर. अब देखो नंबर 3 और 4 सेम है तो मैं नंबर 4 कर रही हूँ. नंबर 3 आपका होमवर्क है, होमवर्क में बनाना क्योंकि जो सेम सेम पैटर्न का सम है सारा ही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करके बनेगा. इसलिए मैं सारा एक जैसा सम रिपीट नहीं करूंगी. नंबर 4 देखो क्या है 25 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर. क्लियर. अब a स्क्वायर के प्लेस में है 25 इंटू 2a माइनस b का होल स्क्वायर. तो इस सबको a स्क्वायर के फॉर्म में लाना है यानी सब पे स्क्वायर होना चाहिए. 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ये हो गया 2a माइनस b का स्क्वायर. 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर. अब ये होल पे स्क्वायर ले आओ यानी ये 5 इंटू 2a माइनस b का होल स्क्वायर और ये हो गया 9b का होल स्क्वायर. 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2a 10a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर. बस ये आ गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लगाओ a प्लस b यानी 10a माइनस 5b. ये है a फिर प्लस b यानी 9b फिर a माइनस b. a को वैसे ही का वैसे कॉपी कर दो और माइनस 9b. सॉल्व करो ये अंदर में और सॉल्व हो रहा तो ये हो गया 10a ये आया प्लस 4b यहाँ पे आया 10a माइनस 9 और 5 14b. देखो फिर कॉमन जाएगा 10a और 4b में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो इसका 2 बाहर आ गया ये बचा
फाइव ए प्लस टू बी, और इसमें से भी हम टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा फाइव ए माइनस सेवन बी। ये टू और टू कितना हो गया, फोर, फोर इंटू फाइव ए प्लस टू बी और फाइव ए माइनस सेवन बी। क्लियर, ये था नंबर फोर। अब देखो नंबर फाइव, तो नेक्स्ट देखो नंबर फाइव और नंबर सिक्स सेम है, तो मैं नंबर सिक्स बताती हूँ, नंबर फाइव आप होमवर्क में करना, दोनों सेम पैटर्न में बनेगा। क्या है नंबर सिक्स, फोर ए स्क्वायर बी माइनस नाइन बी क्यू। क्लियर, हमने सीखा था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ बी क्यूब है। अब देखो दोनों में से आप बी कॉमन ले सकते हो, तो पहले बी कॉमन ले लो, तो ये बन गया फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो ये क्या हो गया बी, अब इसे क्या लिख सकते हो, फोर को मैं लिख सकती हूँ टू का स्क्वायर, और ये ए यानी टू ए का होल स्क्वायर, वापस से वही आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं थ्री बी का होल स्क्वायर। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो, ये हो गया टू ए प्लस थ्री बी और ये हो गया टू ए माइनस थ्री बी। क्लियर, सेम बनेगा नंबर फाइव। नंबर फाइव में पहले आप क्या करना, टू ए कॉमन ले लेना, ठीक है छोड़ो मैं कर ही देती हूँ। नंबर फाइव है फिफ्टी ए क्यूब माइनस टू ए, तो जो पहले कॉमन जा रहा है पहले कॉमन ले लो, क्या कॉमन जा रहा है, मैक्सिमम आप टू ए कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस वन। बस टू ए ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकते हो, फाइव और ए का होल स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फाइव ए का होल स्क्वायर और वन, वन को वन का ही स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होगा। बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो, फाइव ए प्लस वन और फाइव ए माइनस वन। क्लियर, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो नंबर सेवन क्या है, थ्री ए टू द पावर फाइव माइनस वन हंड्रेड एट ए क्यूब, तो जो आपका मैक्सिमम कॉमन जा रहा है कॉमन ले लो, दोनों में से मैं क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकती हूँ, थ्री ए क्यूब, तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री ए टू द पावर फाइव में से थ्री ए क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा थर्टी सिक्स। बस ये हो गया थ्री ए क्यूब, देखो ये फॉर्मूला में आ गया ए का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो थ्री ए स्क्वायर बाहर ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा ए माइनस सिक्स ए प्लस। क्लियर, नेक्स्ट देखो नंबर एट, नंबर एट क्या है, नाइन इंटू ए माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इंटू ए प्लस टू का होल स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन को आपको किस फॉर्म में लाना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए पे आपको होल स्क्वायर चाहिए, तो नाइन को क्या लिख सकते हो थ्री का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस टू का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और क्या करेंगे, थ्री से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया थ्री ए माइनस सिक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा फोर ए प्लस एट का होल स्क्वायर। बस ये आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, फॉर्मूला लगाओ क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए के प्लेस में थ्री ए माइनस सिक्स प्लस बी प्लस फोर ए प्लस एट। अब ए माइनस बी थ्री ए माइनस सिक्स, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस फोर ए क्या बन जाएगा माइनस फोर ए और ये बन गया माइनस एट। ब्रैकेट ओपन करो मीन्स सॉल्व करो, थ्री ए और फोर ए कितना हो गया सेवन ए, एट में से सिक्स माइनस करोगे प्लस टू, ये आया थ्री ए में से फोर ए माइनस करोगे माइनस ए और ये आएगा माइनस फोर्टीन। देखो इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा सेवन ए प्लस टू, ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस फोर्टीन, दिस इज द आंसर। क्लियर, देखो नंबर नाइन क्या है, नाइन है ए फोर माइनस वन, तो ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते वन का स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, फॉर्मूला पुट करो क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब प्लस वाला का तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसे ऐसे ही लिख दो, इसको फिर फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस वन ए माइनस वन, दिस इज द आंसर। नंबर टेन देखो, नंबर टेन क्या है, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू,
ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू। अब आप क्या करो, आप देखो कि ए क्यूब और इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, इन दोनों में से आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, जब आपका कॉमन जाएगा कॉमन ले लेना, इन दोनों में मैक्सिमम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस टू, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते, कुछ नहीं, यानी माइनस वन, माइनस वन कॉमन लोगे तो इसका साइन चेंज हो गया, ये भी बन गया ए प्लस टू। अब देखो ए प्लस टू आपका दोनों में से कॉमन जाएगा, तो इसे कॉमन ले लो ए प्लस टू, यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस वन। ये तो ऐसे रह गया आपका, इसका और कुछ होगा नहीं, इसे और ब्रेक कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा आपका ए माइनस वन ए प्लस वन, दिस इज द आंसर। क्लियर? नंबर 11 क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ये भी आपका वैसे ही होगा, इसे ऐसे ही रहने दो, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते, यानी माइनस वन, माइनस वन अगर हम कॉमन ले लेते तो ये भी आपका बन जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी आपको दोनों में दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूंगी, ये a प्लस बी का होल क्यूब था, वहां से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तीन था तीन में से एक बाहर निकाल लिया तो बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस वन, ये तो ऐसे ही रहेगा a प्लस बी, ये हुआ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है माइनस वन का स्क्वायर, बस ये आ गया ना फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a ए के प्लेस में ए प्लस बी प्लस वन और ए प्लस बी माइनस वन। क्लियर? ये क्या था हमने नंबर 11। नंबर 12 देखो क्या है, नंबर 12 है ए इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन। अब आप ये क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपका कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, a इंटू ए माइनस वन और माइनस बी इंटू बी माइनस वन, कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो आप क्या करो पहले a से इसे मल्टीप्लाई कर दो और b से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू a a स्क्वायर a इंटू वन a माइनस b इंटू b b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b इंटू वन b। क्लियर? अब आप देखो स्क्वायर वाले को एक साथ रखो क्योंकि यहाँ मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसे ऐसे ही रहने दो माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखो यहाँ आपका बचा माइनस ए प्लस बी, अब आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ आपका आया ए माइनस बी, यहाँ आपका है माइनस ए प्लस बी, मीन्स अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी आपका साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा प्लस ए और माइनस बी, सेम सेम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा प्लस ए, माइनस ए बन गया प्लस ए और प्लस बी बन गया माइनस बी। अब ए माइनस बी आपका होल से कॉमन जाएगा तो ए माइनस बी हम कॉमन ले लेते, यहाँ बचेगा आपका ए प्लस बी और इसमें बचेगा आपका माइनस वन। क्लियर? देखो नंबर 13 क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप देखोगे कि इसे आप फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और इसमें से आप c कॉमन ले लोगे, उसके बाद स्टेप में आपका फिर कुछ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसके आगे फिर आपका कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो ये आप वहां पे आगे चल के फंस जाओगे, फिर आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना होगा, इसे आप ऐसे ही रहने दो 4a स्क्वायर। अब आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, क्या चीज का फॉर्मूला दिखाई देगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a है आपका 2b और b है आपका c। देखो ये 2b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 2b का स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू c और प्लस c स्क्वायर, ये आ जाएगा ना आपका 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस c स्क्वायर, तो इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो 2b प्लस c का होल स्क्वायर। तो बस आपको फॉर्मूला अगर ध्यान में रहेगा तो आप पहचान लोगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगी 2b प्लस c का होल स्क्वायर
और इसे लिखूंगी 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर को क्या लिखूंगी 2a का होल स्क्वायर। बस अब देखो ये आपका फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर दो फॉर्मूला, a प्लस b यानी 2a प्लस 2b प्लस c, 2b के सामने प्लस साइन है और जब माइनस करोगे तो b का साइन चेंज हो जाएगा 2a, अब b के प्लेस में है 2b प्लस c, माइनस करते समय उसका साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस 2b माइनस c, दिस इज द आंसर। क्लियर? देखो नंबर 14, 15, 16 एकदम सेम वे से बनेगा, तो मैं कोई दो करती हूँ, मैं करती हूँ आपका 15 और 16, ठीक है। नंबर 14 आप होमवर्क में करना, 15 क्या है, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर, यह है आपका क्वेश्चन। अब आप देखो ये है आपका a स्क्वायर, ये है आपका b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे एक साथ लिख लो 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, और बचा क्या, बचा है प्लस 3a माइनस 8b, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर और यहाँ हम लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर, इसके प्लेस में लिख दिया 3a का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 8b का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा प्लस 3a माइनस 8b, यहाँ फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस b यानी 3a प्लस 8b, a माइनस b 3a माइनस 8b, प्लस यहाँ पे है आपका 3a माइनस 8b, आप देखो 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b आपका दोनों में है, कॉमन ले लो 3a माइनस 8b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3a प्लस 8b, 3a माइनस 8b इसमें से कॉमन ले लिया तो बचा 3a प्लस 8b और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1, दिस इज द आंसर। क्लियर? ये था हमारा नंबर 15। नंबर 14 भी वैसा ही है, 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर को पहले फॉर्मूला में इसी तरह ब्रेक कर देना, फिर आपका ऐसे ही कॉमन चला जाएगा, एकदम सेम पैटर्न में बनेगा। नंबर 16 देखो, 16 क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b स्क्वायर। नंबर 16 आपको नंबर 15 के जैसा लग रहा होगा बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखो यहाँ पे भी आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दो है, जैसे हमने स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लिया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले को, उसे फॉर्मूला में ब्रेक किया, फिर जो बचा जो दो टर्म था उसे एक साथ रखा और वो दोनों टर्म फिर कॉमन चला गया, बट इसमें आपका ऐसे नहीं होगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे नहीं होगा रफ में। देखो आप अगर स्क्वायर वाले को एक साथ रखोगे तो ये बन जाएगा 2a का स्क्वायर और वो बन जाएगा 7b का स्क्वायर, 49b स्क्वायर बन जाएगा 7b का स्क्वायर, बचा दो टर्म हो जाएगा आपका माइनस 12a प्लस 9, अगर इसे आप फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 7b, ये हो जाएगा 2a माइनस 7b, इसमें से आप माइनस 3 कॉमन ले सकते हो तो ये बन जाएगा 4a माइनस 3, बट अब आपका कुछ कॉमन नहीं जाएगा और ये फैक्टर के फॉर्म में मींस फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि फैक्टराइजेशन तभी होता है जब आप गिवन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सको, बट ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आया है, आप उसे दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाओगे तभी वो फैक्टराइजेशन आपका होगा, तो ये आपका आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो ये आपका फिर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a के प्लेस में है आपका 4a स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर, b के प्लेस में आपका 9 यानी 3 का होल स्क्वायर, बीच में है 2 इंटू ए इंटू बी, देखो ये आया ना आपका 4a स्क्वायर, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12a और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये आपका फॉर्मूला बन गया 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर और 49b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर, बस अब ये आ गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, फॉर्मूला ब्रेक कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a प्लस b इंटू a
माइनस सेवन बी। क्लियर, ये था नंबर 16। नंबर 17 देखो, 17 क्या है, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या रहता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी स्क्वायर वाला दोनों आपका प्लस में होता है, मिडिल टर्म आपका बीच में जो टर्म है वो माइनस में होता है। यहाँ आपका स्क्वायर वाला माइनस में है और बीच वाला टर्म प्लस में, पहले आप इसमें माइनस कॉमन ले लो। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4xy, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, और ये हो गया प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इस z स्क्वायर को पहले लिख देती हूँ मैं, और ये माइनस वाले टर्म को बाद में, यानी माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, ये z स्क्वायर, इसमें देखो ये है a स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस में x, b के प्लेस में है 2y, और यहाँ पे है आपका 2y का स्क्वायर है, यानी ये आपका क्या हो गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो z स्क्वायर का z स्क्वायर रहने दो, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्या था इसका फॉर्मूला, a प्लस बी, प्लस के केस में आपका साइन चेंज नहीं होगा, x था प्लस में y था माइनस में, वैसे ही रहेगा, a माइनस बी माइनस के केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, कौन सा फॉर्मूला वहां दिया हुआ है वो आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आपका सम होगा। देखो नंबर 18, नंबर 18 देखो, 18 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखो 2ab है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को साथ में रखना है, और 2cd है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर को साथ में रखना है। रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को साथ में रखा हमने, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd को साथ में रखा, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सब में से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। इसे ऐसे ही लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ये आ गया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी, यानी a के प्लेस में a प्लस बी और b के प्लेस में प्लस c प्लस डी, और यहाँ पे भी लगाओ a माइनस बी, a के प्लेस में a प्लस बी और b के प्लेस में है आपका c प्लस डी, जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस c माइनस डी, दिस इज द आंसर। क्लियर, ये था नंबर 18। नंबर 19 भी वैसा ही है, क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 9a स्क्वायर। सबसे पहले 2 वाले को देखना कि 2 के संग क्या है, तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे है आपका 12ax, यानी a और x को आपको साथ में रखना है, यहाँ पे आपका yz यानी y और z को साथ में रखना है। रखो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12ax प्लस 9a स्क्वायर, ये हो गया माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2yz। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बीच में क्या है, माइनस 2 into a into b, करके देख लो, अभी आ गया 3 2 6 6 2 12 ax आ गया।
इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। इसके प्लेस में अब आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी टू एक्स माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर, और इसके प्लेस में हम लिखेंगे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस अब देखो ये आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा 2x माइनस 3a प्लस y प्लस z, 2x माइनस 3a माइनस y माइनस z, दिस इज द आंसर। क्लियर? ये क्या था हमने नंबर 19। नंबर 20 देखो, नंबर 20 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है नंबर 20? ए स्क्वायर माइनस वन इंटू बी स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वन इंटू बी स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर ए बी। ऐसे तो आपको कुछ कॉमन लेने का हो नहीं रहा है, तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को माइनस वन से करोगे माइनस ए स्क्वायर, माइनस वन को बी स्क्वायर से करोगे माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन प्लस फोर ए बी। अब यहाँ से क्वेश्चन में ध्यान दो, ये देखो आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और टू ए बी होना चाहिए, आपके पास फोर ए बी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फोर ए बी को आप क्या लिख सकते हो, टू ए बी प्लस टू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी को साथ में ले लो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बचे वाले को रहने दो, बचेगा क्या क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और दो टू ए बी था, एक टू ए बी को इधर ले आओ प्लस वन, ये आपका बच गया, इधर आ गया आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर? अगर आप ध्यान दो तो ये भी आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ देखो a के प्लेस में है आपका ab का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a के प्लेस में आपका ab, b के प्लेस में है 1, a स्क्वायर प्लस 2ab into 1 प्लस b का स्क्वायर, है ना। तो ये आपका क्या है, ab प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे लोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ये हो गया आपका ए बी प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो, टू ए बी प्लस वन प्लस ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी प्लस वन माइनस ए प्लस बी। प्लस करते समय ये सेकेंड टर्म को वैसे ही कॉपी कर देना, माइनस करते समय उसके साइन को चेंज कर देना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? नंबर 21 देखो, 21 क्या है, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ना तो आपका कुछ कॉमन जा रहा है, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन में आप क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, ना ही आप सोचोगे कि इसे मैं मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक कर दूं तो ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर में भी ब्रेक नहीं होगा। करके देख लो, आपका एक्स फोर के सामने वाला कॉन्स्टेंट है वन और मीन्स कोफिशियंट है वन, और ये है आपका कॉन्स्टेंट टर्म है वन, वन इंटू वन करोगे तो वन आएगा, और आप वन को ऐसे कौन से दो नंबर के सम में ब्रेक कर सकते हो जिसका सम वन हो और प्रोडक्ट भी वन हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मिडिल टर्म फैक्टर भी नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से कुछ ऐसा इसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये आपका फॉर्मूला में अरेंज हो जाए। अब देखो मैं क्या करूंगी, एक्स फोर को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका x4 हो गया। 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, बीच में आपको चाहिए 2ab, 2 a के प्लेस में x स्क्वायर, b के प्लेस में है 1, ठीक है, यानी ये अगर आप देखो तो ये आ गया x4, बीच में आ गया आपका 2x स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका 1, बट आपके क्वेश्चन में था प्लस x स्क्वायर, हमने लिखा है 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर ज्यादा है, अगर उसे आपको अरेंज करना है तो आपको माइनस x स्क्वायर डालना पड़ेगा,
माइनस एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये अरेंज होके ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स फोर, दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिखूंगी। और क्यों लिखूंगी, तो कोई मीन्स इसका कुछ ये नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका ये फॉर्मूला में ब्रेक हो, मीन्स फॉर्मूला के फॉर्म में आए और फिर आप उसको फैक्टराइज कर पाओ। ऐसे आप इसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो ये आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और क्यों लिखा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है और उसके लिए मुझे टू ए बी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिख दिया और माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये अरेंज होके ओवरऑल एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। क्लियर? तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस में एक्स स्क्वायर और बी के प्लेस में वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया आपका एक्स का स्क्वायर। अब फिर देखो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला ब्रेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, क्या किया हमने, क्वेश्चन था आपका x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसमें ना तो कुछ कॉमन जा रहा था ना ये मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक हो रहा था। तब हमने क्या किया, इसे फॉर्मूला में लाने के लिए हमने x स्क्वायर को क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो वो x स्क्वायर ही आएगा। फिर हमने क्या किया, x4 को लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर को यहां पे लिखा प्लस 1 की जगह में लिखा 1 का स्क्वायर, और मेरा था x स्क्वायर उसे हमने लिखा 2x स्क्वायर, इसलिए माइनस x स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये x स्क्वायर ही आ जाएगा। ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस x का होल स्क्वायर, फिर हमने इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। क्लियर? फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, ये समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ये था मेरा 21, 22 देखो। तो बहुत बार आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको उसमें कुछ अरेंज करके उसको फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। 22 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। ए के प्लेस में है आपका ये और बी के प्लेस में आपका ये, इसे ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ टू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। बस अब देखो ये ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अभी ये आपका और ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, इसे मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, इसे पहले साथ में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ आपका बचेगा माइनस फोर सी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, इसे साथ में लिख लो, यहाँ बचेगा आपका माइनस फोर सी स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ, ये फिर फॉर्मूला आ गया, इसके प्लेस में आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके प्लेस में आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैं ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, इसके प्लेस में हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, तो इसके प्लेस में हम लिखेंगे माइनस 2c का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के प्लेस में लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसके प्लेस में लिखेंगे 4c स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर। फिर देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला लगाओ a प्लस b, यानी a प्लस b प्लस 2c, ए प्लस बी माइनस टू सी, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस टू सी, ए माइनस बी माइनस टू सी। क्लियर?
समझ में आया? तो ये था मेरा 22, 23 एकदम सेम टू कॉपी ये है। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में करना। अगर किसी से ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो क्वेश्चन में डाउट होता है, चाहे इस चैप्टर या कोई और चैप्टर, जो भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट कीजिए, जल्द से जल्द आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो नंबर 24। तो नेक्स्ट देखो नंबर 24। नंबर 24 में कैसे करेंगे, ये आपका गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो। इसे आप देखो तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। कैसे है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बन जाएगा प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बन जाएगा माइनस b स्क्वायर। इसे ऐसे ही रहने दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखो तो a प्लस बी दोनों में है, कॉमन ले लो a प्लस बी। यहाँ क्या बचा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, एक बार हमने कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस बी। यहाँ क्या बचा a माइनस बी, बट माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। देखो माइनस a प्लस a कट गया, तो ये क्या बचा 2b इंटू ए प्लस बी। क्लियर, सेम टू सेम जैसा नंबर 24 था, सेम टू सेम 25 है। तो ये आपका होमवर्क सेम वैसे ही बनेगा, a स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। वैसे ये सेम टू सेम, देखो यही इसे पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, इसे आपको फॉर्मूला में ब्रेक करना है, फिर a प्लस b कॉमन लेना। तो ये आप होमवर्क में करोगे। हम करते हैं नंबर 26। देखो क्या है 26, है 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और ये है आपका a स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये आपका फॉर्मूला में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के प्लेस में लिखो 3a प्लस a स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे 3a, साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस करोगे, तो 3a माइनस a स्क्वायर प्लस 4। आप देखो तो देखो इन दोनों को फिर आप मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो। ये आपका है a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4, से जाके लिख लो, ये है आपका माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। मिडिल टर्म फैक्टर इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में ही हमने सीखा है कैसे करते हैं। तो स्क्वायर वाले के सामने वाले कोफिशियंट को और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर वाले के सामने कोफिशियंट है प्लस 1 और ये है माइनस 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 4। यानी 3 को आपको ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में माइनस करना है कि जिसे आप मीन्स ब्रेक करना है, जिसे अगर आप उन दोनों नंबर को माइनस करते हो तो 3 आता है और इंटू करते हो तो 4 आता है। तो वो दो नंबर क्या हो जाएगा 4 और 1, 4 और 1 को इंटू करोगे तो 4 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा। और इसमें भी वही होगा, यानी यहाँ मैं लिखूंगी a स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस में लिखूंगी 4 माइनस 1 इंटू a माइनस 4, और यहाँ पे भी सेम माइनस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इंटू a प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4a माइनस a माइनस 4, यहाँ आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस a प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन लो तो a कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा a प्लस 4, इसमें क्या लेंगे माइनस 1, तो ये बन जाएगा a प्लस 4। इसमें देखो माइनस a कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा a माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लूंगी तो ये भी बन जाएगा, माइनस ए लूंगी तो बन जाएगा ए माइनस 4, यहाँ से भी माइनस 1 लूंगी तो ये भी बन जाएगा ए माइनस 4। ए प्लस 4 ओवरऑल कॉमन ले लो तो ये बन गया ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 1, यहाँ आ गया ए माइनस 4 इंटू माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस 1। आप इसे ऐसे भी रहनी मीन्स आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, देखो यहाँ दोनों में माइनस है तो आप इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया a प्लस 4
ये हो गया a माइनस वन, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 4 माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया a प्लस ए, और वो दोनों माइनस 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 क्या बन गया प्लस। क्लियर? देखो नंबर 27, नंबर 27 को भी आपको फॉर्मूला में लाने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर कब आता है? या तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो, चाहे एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो। इसमें क्या आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो x स्क्वायर और 1 बाय x स्क्वायर आपके पास है, या तो आपको प्लस 2 चाहिए या तो माइनस 2 चाहिए, तो कुछ भी आप नहीं ले सकते। उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं प्लस 2 लूं कि माइनस 2। क्यों सोचना पड़ेगा? अगर आप प्लस 2 लेते हो तो आपका क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। अब आपने एक्स्ट्रा प्लस 2 डाला है तो आपको उसे हटाना भी पड़ेगा। ये था आपका माइनस 11, अब उसे हटाने के लिए आपको माइनस 2 ऐड करना पड़ेगा, तब ना ये प्लस 2 और माइनस 2 कट जाएगा। तो अगर आपने एक्स्ट्रा प्लस 2 डाला है तो आपको एक्स्ट्रा माइनस 2 भी डालना पड़ेगा। तो ये तो आपका फॉर्मूला में आ जाएगा x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 13। बट 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो फिर आगे आप इसे फॉर्मूला में ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये हमने प्लस 2 डाला था, अब हम माइनस 2 डालते हैं तो क्या होगा? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप डालो माइनस 2। एक्स्ट्रा हमने माइनस 2 डाला है तो आपको एक्स्ट्रा प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी अब जो साइन, जो नंबर डाल रहे हो साइन के साथ, अगर आप कोई भी नंबर प्लस में डाल रहे हो तो उतना ही नंबर को आपको माइनस में डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा नंबर माइनस में डाल रहे हो तो उतना ही नंबर आपको प्लस में डालना पड़ेगा। यानी हमने माइनस 2 एक्स्ट्रा लिया था तो आपको प्लस 2 भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कट के ओवरऑल जीरो हो जाए, और ये था माइनस 11। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला में आ जाएगा, इस बार आ जाएगा x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और 11 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस 9। देखो 9 होता है मेरा 3 का स्क्वायर। तो आगे फिर हम फॉर्मूला में ब्रेक कर पाएंगे, यानी प्लस डालने से आपका काम नहीं होगा, आपको क्या डालना पड़ेगा, माइनस 2। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये लिखो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 11। क्लियर? अब इसके प्लेस में फॉर्मूला डाल दो, क्या हो गया x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 9। यानी x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आ गया ना ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। पुट कर दो a प्लस b, यानी x माइनस 1 बाय x प्लस 3 a माइनस b x माइनस 1 बाय x माइनस 3। क्लियर? नेक्स्ट देखो 28 भी इसी टाइप का है। 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका है 4x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर आ गया, यहाँ या तो आपका प्लस 2ab होगा या फिर माइनस 2ab होगा। यानी या तो आपको यहाँ पे प्लस 2 डालना है तभी आपका 2x प्लस 1 बाय 2x के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा, या फिर आपको यहाँ पे माइनस 2 डालना है तभी आपका क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका 2x माइनस 1 बाय 2x के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा। अब आप सोचो कि आप क्या ऐड करोगे, प्लस 2 ऐड करोगे कि माइनस 2। सपोज अगर आप प्लस 2 ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा माइनस 2 डालना पड़ेगा, और यहाँ बचेगा आपका प्लस 1। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस 1, जो कि 1 का स्क्वायर होता है। अगर आप माइनस 2 डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा प्लस 2, और फिर पहले से है प्लस 1, ये मिलके हो जाएगा 3, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता। यानी आपको एक्स्ट्रा क्या डालना पड़ेगा फॉर्मूला में लाने के लिए, प्लस 2, यानी आपको प्लस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। मेन यही सोचना है कि क्या आप ऐड करोगे। तो आप लिखो इसे 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1। ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, और प्लस 1। आपने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि जितना हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था उतना ही हमने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 2x
प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, और ये आया आपका माइनस वन यानी माइनस वन का स्क्वायर। बस फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? तो देखो नंबर 29, 4x टू द पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ये देखो ये आपका x प्लस 6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6, है ना, ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखो आप 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके प्लेस में हम लिखेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला में लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब आप देखो ये मिडिल टर्म फैक्टर वाले फॉर्म में आ गया है। मिडिल टर्म फैक्टर का क्या फॉर्म था, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, तो आप उसको चेक कर लिया करो कि वो मिडिल टर्म फैक्टर और होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो स्क्वायर वाला कोफिशियंट है 2 और कॉन्स्टेंट टर्म है 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और साइन आएगा प्लस का। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है और इसके सामने है आपका 1, यानी 1 को आपको ऐसे दो नंबर के सम में ब्रेक करना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस करने से 1 आए। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक नहीं होगा। सेकंड वाले को चेक करो, तो स्क्वायर वाला कोफिशियंट है 2 और कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 6, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12, यानी माइनस का साइन आया, यानी आपको x के सामने वाला कोफिशियंट है 1, 1 को आपको ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है जिसे माइनस करने से 1 आता है और इंटू करने से 12, तो ये हो जाएगा 4 और 3, मतलब सेकंड वाला आपका मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसे ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर दो, इसका मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करो, तो इसके प्लेस में लिख सकती हूँ मैं 4 - 3x - 6, 2x² + x + 6, 2x² - 4x - - + 3x - 6। ये ऐसे का ऐसे ही कॉपी करो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो 2x, तो ये आएगा आपका x - 2, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो +3, तो ये भी आएगा x - 2, यानी ये हो गया आपका 2x² + x + 6, ये हो गया आपका 2x + 3 और x - 2। क्लियर? अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 30 क्या है, a² b + c - b + c का होल क्यूब। बहुत इजी है, b प्लस सी देखो दोनों में है, कॉमन ले लो b प्लस सी। अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? बस अब आपका फॉर्मूला आ गया, इसे ऐसे ही रहने दो, b प्लस सी, इसके प्लेस में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या था, a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस सी, और a माइनस बी यानी a माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5C यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5D। एक्सरसाइज का लगभग सब मैंने करा दिया है, कुछ सेम पैटर्न का एक दो क्वेश्चन था जो कि आपका होमवर्क है। फिर भी अगर आपको किसी भी समय कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देना। साथ ही साथ किसी और एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जल्द से जल्द मैं उसके वीडियो को अपलोड कर दूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।